तो मैं ये कहूंगा दोस्तों, बहुत ही छोटी सी जर्नी है, लेकिन इन 4.5 साल की जर्नी में पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे ग्रेट मेंटोर हमारे गुरुदेव पौधोपाध्याय सर, टाइगर्स ग्रुप के फाउंडर, जिन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, हर हर कीवा और घर घर कीवा, ये एक मिशन है मेरे दोस्त, ये एक मिशन है, और उस मिशन में हम लोग आपके सिपे सलार और वो साथी हैं जो हर कदम पे आपके साथ खड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ में मंचा सिंह हमारे मेरे गुरुदेव, मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट मेंटोर, मैं चाहूंगा एक बार जोर तालियां और लवकुश मौर्य सर के लिए, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में ही इस लाइक बनाऊ की आज मंच से आकर के कुछ बोल पा रहा हूँ। साथ ही अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे डायनामिक साथी लीडर, जो एक एक स्तंभ है इस टाइगर्स ग्रुप के, जिन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है कि इस आज के दौर में जो हम लोगों के बीच में दो खतरनाक राक्षस हैं, जैसे कि आपने देखा सुना समझा, द्वापर युग कलयुग हर टाइम पे राक्षस हुआ करते थे, वैसे ही इस कलयुग में भी दो राक्षस हैं, और वो राक्षस ऐसे राक्षस हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो दोनों राक्षस हैं बेरोजगारी और बीमारी। यस और नो? नींद आ रही हो तो बता देना, क्योंकि मुझे भी, क्योंकि किसी ने सबने कहा है, किसी वक्ता ने कहा है कि वक्ता महान नहीं होता जब तक उसका श्रोता उसको सुने ना, तो इसलिए मैं कहूंगा श्रोता महान होता, और एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां आप लोग अपने आप के लिए, अगर जाग रहे हो तो दिल से बजाइएगा, ऐसा बजाइएगा कि मजा आ जाए, क्योंकि भाई 100 रुपए का टिकट तो लेकर आ ही गए हैं, दिन भर का समय भी चला गया ही है, तो क्यों ना घंटे तो घंटे पेशेंस बना ले, हो सकता है कि जिसके जीवन के जो भी बसंत बीते हो, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, किसी का 30 साल, जो आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ हो सकता है इस एक दिन के सेमिनार में बदलाव आ जाए, क्योंकि इसी तरह इसी मंच पे भरोसा करके इस प्लेटफॉर्म पर आया था, और आज मेरी बड़ी वाली बेटी को देखा आपने, वो उस टाइम पे 4 साल की थी, आज वो उसका 9वां साल चल रहा है, और इन 4.5 साल की जर्नी में मात्र 59 रुपए के खांसी के सिरप की वजह से आया था, और वो खांसी का सिरप जिन्होंने मुझे दिया था, आज वो हमारे, आज थे तो दूल्हा वो भी, लेकिन अब वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सज्जन हाशमी सर के लिए। साथियों ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राज्य सर ने इतना कुछ कह दिया है कि कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी, क्योंकि गुरुदेव लखो सर हमेशा कहानी सुनाया करते हैं, बहुत कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि 59 रुपए की खांसी के सिरप से आया था, 1 लाख लगा के भेजा जी, शुरुआत करी थी, आज की डेट में ये बिजनेस मेरा, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मेरा 70 से 80 लाख रुपए का करीब हो चुका है, और ये पावर है इस प्रोडक्ट की, इन प्रोडक्ट की पावर की, जो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया मैं, लेकिन आप सोचिए उस कोरोना काल में जहां सारे बिजनेस चौपट हो रहे थे, सारे सिस्टम धराशायी हो रहे थे, अरबों खरबों कमाने वाले रोड पर आ गए थे, उस टाइम पर 1 लाख से शुरू किया गया बिजनेस, आज के रेट में 70 से 80 लाख वैल्यू का हो चुका है, तो ये ग्रोथ है इस बिजनेस की, इस पावर की 70 से 80% की ग्रोथ हो चुकी है। और यहाँ पर जो भी लोग, अभी तो बहुत से लोग ये भी बता रहे 100 रुपए का टिकट ले लिया मैंने, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने 100 रुपए का टिकट खरीद लिया, मेरे तो 100 रुपए के टिकट में 1000 का प्रोडक्ट है, वो भी 10 गुना ज्यादा मिल रहा है, चाय नाश्ता अलग से, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ऐसे सेमिनार देखे, ऐसे ऐसे मीटिंग देखी है जहां पर की कंपनी के एमडी को भी सुना जाता है, एमडी को भी टाइम दिया जाता है, लेकिन वहां पर कोई चाय तक नहीं पूछता। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास देने के लिए जो सबसे बड़ा धन है वो धन है समय, और आप लोगों ने इतनी देर से और समय अपना, अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल करके आया, और आप लोग यहाँ पे वक्ताओं को सुन रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कोई राजनेता या नेता नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे दोस्त कि ऋषि प्रसाद मिश्रा सर के लिए मैं 2 लाइनें कहूंगा, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, क्योंकि 2 साल से सक्सेस स्टोरी सुनाता आ रहा हूँ, और इस स्टोरी में आज की डेट में जब पहली बार सेमिनार में आया था और अपने ये इसी तरह का एक मंच लगा हुआ था, जब शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, तो उस टाइम पे किसी एक दोस्त की कार लेकर के आया था, लेकिन आज ये बिजनेस की पावर है, 14 लाख की अर्टिगा टॉप मॉडल आपकी खड़ी हुई है, और यहाँ से सब कुछ सपने पूरे हुए, सारे नींद पूरे हुए, दोनों बच्चे मेरे मौजूद है, मेरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, आज छोटी बिटिया मेरी अभी 5 साल की है, वो लगभग आधा भारत घूम चुकी है इन 5 सालों में, और ये सब कुछ हुआ इसका एप्पल कीवा का एप्पल डिसीज के बैनर तले, और वो सारे ड्रीम्स मेरे फुलफिल हुए हैं। मैं सिर्फ
जब भी गुरुदेव उनके पिता तुल्य अभिभावक हमारे बैठे हुए, अगर उनके लिए मैं दो शब्द ना बोलू तो ये इस मंच की तोहिन और मेरी खुद की अपने आप में मुझे घंटी फील होगी। ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं दूंगा, सब लोग ज्ञान दे चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ उत्तर कहूंगा कि जो भी साथी नए आए हैं वो साथी अपने उन साथियों को जरूर विशेषकर धन्यवाद दीजिएगा और एक बार उनके साथ इस बिजनेस प्लान को, इस बिजनेस को, इस बिजनेस प्रोफाइल को समझिएगा, क्योंकि वो ये साथी चाहता है कि वो रियल में आप उनके साथ कदम से कदम मिला के चले जाए और आप बदले और अपनी दिशा बदले। तो ऋषि प्रसाद मिश्रा सर के लिए मैं सर दो लाइन कहूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा अपनी कहानी, क्योंकि अभी हमारे वो गुरुदेव वाली है जिनके सुन करके हम इस टाइम बोलने लायक बने हैं। तो गुरुदेव के लिए मैं इतना कहूंगा कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। कर लिया इरादा जीत का, कर लिया इरादा जीत का तो 85 बरस की उम्र में भी उसके लिए हार भी हरा नहीं सकती। तो 85 बरस की उम्र में मिलने लगता है इनसे ज्यादा पसंद यहाँ पर किसी ने नहीं देखे है। तो मेरे दोस्त बहाना मत लगाना, बहाना बनाओगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि ये 85 साल के बुजुर्ग आज आपके बीच में बैठे हैं और कंपनी का टॉप लेवल अचीव करके बैठे हुए हैं। तो एक बार चाहूंगा जोरदार ताली हमारे गुरुदेव पिता तुल्य ऋषि प्रसाद मिश्रा जी के लिए और दीवा के प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर किसी के अंदर जोश जुनून और जज्बा जग जाए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जीवन और लेवल पैसा ये अलग ही चीज है, लेकिन यहाँ पर अगर एक ही चीज पाई और वो अपने लाइफ के साथ में कहना चाहता हूं मैं, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो ऊंची उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो यही समय अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। सक्सेस स्टोरी पर बहुत कुछ बताने के लिए सुबह से शाम हो जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो 100 रुपए दिए वो पूरा वसूल होना चाहिए। यहाँ से हम जाए तो कुछ ऐसा सीख करके जाए, समझ करके जाए, जिससे मेरी दशा और दिशा दोनों परिवर्तन हो जाए। तो बाकी अगर सरकार आदेश है, लेकिन दाचे बिना तो जाऊंगा नहीं। तो 2 मिनट और